कि मंदी चल रहा है, मार्केट खराब है, लेकिन नवी मुंबई में कंटिन्यूस एक बूम सा लग रहा है क्योंकि हमेशा कुछ ना कोई नए इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और MCHI क्रेडाई बहुत अच्छी तरह से इन प्रोजेक्ट्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, बहुत खूबसूरती से इन्हें प्रमोट कर रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट कंसिस्टेंटली वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। डेवलपमेंट की तरह जाएगा ही क्योंकि पॉलिटिकली हमारे जो मित्र हैं जैन दादा जो हैं वो इतने ब्यूटिफुली प्रो डेवलपमेंट काम कर रहे हैं और साथ में लोकल्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, जो रायगढ़ के लोकल हैं जिनको जिनके यहाँ घर पे भी प्रगति और उन्नति का एहसास उनको भी मिल रहा है और साथ में हमारे ललित भैया हैं जो बड़े भाई हैं हमारे और एक्सकॉर्प उनकी कंपनी है जो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स करते जा रही है नवी मुंबई में, एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक विजन लेकर। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम। हाँ, अभी बात तो वही हुई है, डैड ने बता दीजिए आपने क्या डिसीजन लिया। शिफ्ट नहीं होंगे, आगे रहेंगे कभी कभी। डैड ये नवी मुंबई की सबसे बड़ी बिल्डिंग हमारे भाई बना रहे हैं तो डैड ने सोच लिया कि 45वें माले पे 45th फ्लोर जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे उनको एक अपार्टमेंट बुक करना। मैं तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात कर सकता हूँ, आदमी के मन की, आदमी के ख्यालों की, आदमी के मन की शक्ति की, मुझे बाकी कोई डेवलपमेंट।